गाइज आज मैं आपको टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पैसा भी देना होता है? चल झूठा। जी हाँ गाइज, यह बात बिल्कुल सही है। कुछ गजब सी जानकारियाँ देंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल किसी भी पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाल सरकार को लगभग $11,000 पे करना होता है। अगर बात करें वहाँ पर पूरे खर्चा की, तो एक पर्वतारोही के लिए लगभग 25 से 40 लाख रुपया खर्च करना होता है। फैक्ट नंबर 2, गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में पानी पहुँचाने में आखिर कितना खर्च आता है? कुछ गजब सी जानकारियाँ देंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल अंतरिक्ष में पानी पहुंचाने का खर्च प्रति पाउंड लगभग $9,000 से $27,000 होता है, और यहां तक स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट को सिर्फ और सिर्फ 500 ml ही पानी दिया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी पहुंचाने की खर्चा इतना महंगा हो जाता है जिससे बार बार नया पानी नहीं भेजा जाता है, और यहां तक एस्ट्रोनॉट अपने पसीने और मूत्र को एक बार फिर से रिसाइकल करके पीते हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन करने के बाद आलस और नींद क्यों आने लगती है? कुछ मजेदार जानकारियां बताएंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन उत्पन्न होता है, जो कि इंसान को पूरे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है, और दूसरा कारण यह है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दिमाग से हटकर पेट की तरफ होने लगता है। फैक्ट नंबर 4, गाइज क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शांत कमरा आखिर किस देश में है? कुछ नॉलेज वाली बात बताएंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल दुनिया का सबसे शांत कमरा अमेरिका में है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय में स्थित है। यह कमरा इतना शांत है कि इस कमरे में कोई भी व्यक्ति आज तक 45 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाया है। यही नहीं, इस कमरे में अपने ब्लड सर्कुलेशन की आवाज को आसानी से सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, गाइस आज मैं आपको ओला के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां देंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने 75वें स्वतंत्र दिवस पर एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी और कार को लॉन्च करने जा रही है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 किलोमीटर आसानी से चल सकता है, और इसका दाम विदेशी कंपनियों की तुलना में बहुत ही कम होगा। गाइज अब एक भारतीय कंपनी विदेशी कंपनियों को टक्कर देने जा रही है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए मंजिल की ओर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।